आज से दिल्ली की अभी अभी नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी जी कार्यभार संभालने सीएम ऑफिस पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन में वही व्यथा है जो राजा भरत के मन में थी जब उनके बड़े भाई भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। जैसे राजा भरत ने 14 साल भगवान श्री राम के खड़ाऊ रख कर अयोध्या का शासन संभाला, वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार। तो यहाँ पर मैं यह बता दूं कि आतिशी जी, आपकी तुलना राजा भरत से नहीं हो सकती या ना ही केजरीवाल जी का राजा रामचंद्र जी से। अरविंद केजरीवाल श्री राम की तरह अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राजपाट छोड़कर वनवास नहीं गए, बल्कि उनके ऊपर बहुत ही संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उस आरोप के तहत वो 6 महीने के लगभग 6 महीने की सजा भी काट चुके हैं और अभी उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है, ना कि वो निर्दोष साबित हुए हैं। तो पहले आप उनकी तुलना श्री राम से तो करना बंद कीजिए। और क्या मजाक बना रखा आपने दिल्ली के सीएम की कुर्सी का? दिल्ली का मजाक बनाने के बाद अब आप सीएम की कुर्सी का भी मजाक बना रहे हैं। अब इस तरह की बातें आपको करनी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती, क्योंकि आपने संविधान के साथ साथ ईश्वर का भी कसम खाया है इस कुर्सी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। तो क्या मान लिया जाए कि आप जब शपथ ले रही थी तो वो शपथ ही झूठा था, आप उसकी कोई भी आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं? मान लीना, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।